हेलो गाइस, वेलकम अगेन लर्न बेसिक्स। तो अगर आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूला लिखने में परेशान होते हैं एमएस वर्ल्ड में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एमएस वर्ल्ड की बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टेक्निक, जिससे आप आसानी से मैथमेटिकल फार्मूला लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट। तो आइए चलिए जानते हैं कौन सी है वो ट्रिक जिससे हम आसानी से मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं एमएस वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एमएस वर्ल्ड का विंडो खुला हुआ है। अब हमें करना कुछ नहीं, सिंपल स्टार्ट बटन पर जाइए। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन लिखना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आपको लिखना है मैथ्स, एम ए टी एच। और जैसे ही आप मैथ देखेंगे, देखिए मैथ इनपुट पैनल बन के आ गया, ठीक है। नीचे ही मैथ इनपुट पैनल बन के आ रहा है, इसको इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। गाइस, जैसे ही आपने मैथ इनपुट पैनल पर क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का पैनल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे आप पेन और पेंसिल से अपने पेपर पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आपको माउस की हेल्प से वो चीज ड्रॉ करनी है। मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला है, तो आप उसको माउस की हेल्प से यहाँ ड्रॉ करिए और आराम से आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे अपने एमएस वर्ल्ड के पेज पे। आइए जानते हैं कैसे। पहले एक्स लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एक्स लिखा, ठीक है। जो भी आप लिखेंगे ऊपर यहां बनता जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद एक रूट का साइन बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर लिख दिया वाई, ठीक है। वाई के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद एक माइनस का साइन बनाया, उसके बाद जेड लगा दिया, जेड का साइन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, जो भी आप यहाँ लिखते जा रहे हैं ऊपर यहाँ पे टाइप होता जा रहा है। अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे नीचे एक अंडरलाइन बनाई, उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा तो यहां पर एन स्क्वायर दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको कैसे सही करना है, सिंपली यहां सेलेक्ट एंड करेक्ट पे जाइए, इस पर क्लिक करिए और इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको लग रहा है कि गलत आया है, ठीक है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल, हम एन स्क्वायर में पहले चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपने एन स्क्वायर पे यहां पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखा देगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहां पर देखिए ऊपर ये एक्स स्क्वायर बन के आ गया। तो अब हमारा फॉर्मूला देखिए रेडी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस जेड अबव बेस लाइन नीचे, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हमें इंसर्ट करना, यानी कि एमएस वर्ल्ड के पेज पर ले जाना है। तो देखिए नीचे इंसर्ट का ऑप्शन है, इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है, राइट, इरेज, अंडू, क्लियर, इवन बाय वन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट। जब आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे इंसर्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला प्रिपेयर्ड है। अब इस फॉर्मूला को आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या जैसे भी आपको यूज करना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है एमएस वर्ल्ड में मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने का, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अब इसके अलावा कॉमन मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए बहुत आसान है, यहाँ पर इंसर्ट पे जाइए, ऊपर देखिए ऊपर बहुत सारे टैब बने हुए, यहाँ पर इंसर्ट पहले चूज कर लीजिए और सबसे लास्ट में देखिए इक्वेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ इक्वेशन में आपको बहुत सारे रेडीमेड इक्वेशन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, मान लीजिए ये एरिया ऑफ सर्कल जानना है, बायनोमियल थ्योरम है, तो ऐसे कई सारे इक्वेशन है जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें से कोई आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं उस इक्वेशन को। और अगर आपको मैन्युअली कुछ लिखना है तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन के नीचे एक ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का, मैं एक मिनट के लिए मैथ इक्वेशन पैनल बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ऊपर मतलब सारे इमेजेस और ये सब देख रहे हैं, ये सब साइन वगैरह बन के आ जाएंगे। तो इसमें से जो भी आपको चूज करना हो वो आप चूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन के लिए ये सारे ऑप्शन है, स्क्रिप्ट हो गया, रेडिकल हो गया, इंटीग्रल हो गया, सारे कई सारे ऑप्शन है। तो आपको जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये है कॉमन तरीका जो ज्यादातर लोग जानते हैं, जो मैंने बताया बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको मतलब बार बार सेलेक्ट करने का ऑप्शन मतलब जरूरत नहीं है। जो भी आप जैसे आपको रूट बनाना हो, सिंपली आप मैथ इक्वेशन पैनल पर जाइए, रूट बना दीजिए, वो यहाँ पर उसको इंसर्ट कर दीजिए, बन जाएगा, जैसे कि मैंने करके दिखाया। तो बहुत ही आसान है और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गाइस, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ट्राई मैं लेवल बेस्ट के आंसर करूं। और अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।